लाउड स्पीकर हटाओ वरना मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब देश में रमजान का महीना शुरू हो चुका है और बयान दिया है राज ठाकरे ने। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से मस्जिदों के लाउड स्पीकरों की तेज आवाज पर एतराज जताया गया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद किए जाने की मांग अपनी एक रैली के दौरान की। राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में एक रैली में कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं, अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर अधिक तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना या किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे अपने धर्म पर गर्व है। सिर्फ इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर भी कटाक्ष किया, जिनकी पार्टी शिवसेना 2019 में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी से अलग हो गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे मंच पर मौजूद थे लेकिन उन्होंने कभी सीट बंटवारे के फॉर्मूले का जिक्र नहीं किया। उद्धव ने इसे तभी उठाया जब उन्हें एहसास हुआ कि बीजेपी उनकी मदद के बिना सरकार नहीं बना सकती। एमएनएस के नेता ने आरोप लगाया कि सरकार में तीनों दलों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने लोगों के जनादेश की अनदेखी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।